everyone, so this video is all about Meesho short kurti and skirts haul. Let me show you. So these are the all products. इसमें मैंने कुछ 5 कुर्ती लिए हैं शॉर्ट एंड 3 आपको स्कर्ट मिल जाएंगी. स्कर्ट्स हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग है, शॉर्ट स्कर्ट एक भी नहीं है, तो वीडियो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज समर अप्रोप्रिएट ये वीडियो होने वाला है एंड बहुत ही अच्छा अच्छा हमने कलेक्शन लिया है. सो लेट्स सी. फर्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल लॉन्ग स्कर्ट विच इज़ इन ब्लैक एंड वाइट शेड, बट ऑल्सो देर आर मैनी कलर ऑप्शंस, तो आप और कलर ऑप्शन देख सकते हो. बहुत सारे कैटलॉग्स भी हैं. इनका सारे का प्राइस अराउंड 350 और 300 के अंडर में ही है. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि वीडियो बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल होने वाला है. सो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना. सो दिस इज द फेस पोर्शन, पूरा लास्टिक का काम किया हुआ है एंड कुछ अच्छा उटाबू करके ब्रांड है. ब्रांड इज़ रियली नाइस, मतलब लोकल ब्रांड है लेकिन अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी दी है. अंदर कोई भी लाइनिंग अप्लाई नहीं कर रखा लेकिन फैब्रिक बहुत अच्छा है, सॉफ्ट क्रीप का फैब्रिक है एंड बहुत ही लाइट वेटेड है. समझ के लिए बहुत सही है, ब्लैक या वाइट किसी भी कलर के टॉप के साथ इसे वेयर कर सकते हो. और इसमें ना ऐसे प्लेट्स मिल जाएंगी एज यू कैन सी, बहुत ही अच्छी सुंदर सी प्लेट्स रही हुई है. पहनने के बाद आप पूरा लुक देख लो, बहुत ही डिसेंट आता है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. अगर हम इस तरीके की लॉन्ग स्कर्ट पहनते हो तो फॉर श्योर ये वाला बहुत ही अच्छा पीस है बिकॉज ब्लैक वाइट काफ़ी कैजुअल लुक देता है. और टॉप अगर आप वाइट ब्लैक पहनोगे, जैसे मैंने ब्लैक पहना है बिकॉज ब्लैक वाइट के साथ काफ़ी कैजुअल लगेगी ये, दैट्स वाई. एंड पूरा नीचे तक प्लेट्स डाल रखी है एज यू कैन सी. घेर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरा आप ट्रायल में देख लेना, फैब्रिक इज रियली नाइस. एंड जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ऑल्सो द फैब्रिक इज रियली नाइस, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है. मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्वालिटी इज रियली नाइस. काफ़ी न्यूली वाली वाइब ऐसा नहीं है फैब्रिक बेकार है मीशो से है तो नहीं, बहुत ही अच्छा है. और लाइक इतने में ना इतने मतलब 350 के अंदर हार्डली स्कर्ट्स वगैरह मिलती हैं, तो आई थिंक गो फॉर दिस वन. अगर आपको ये कलर नहीं पसंद सारा फॉर श्योर आप दूसरा कलर ट्राई कर सकते हो, बट फॉर मी इट्स अ बिग थम्स अप. आई गॉट दिस पिंक स्कर्ट. एक्चुअली अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं आउटिंग का या ट्रैवलिंग का, सो आई थिंक दिस इज फॉर यू बिकॉज काफ़ी समरी वाइब दे रही है और काफ़ी समरी कलर भी है. काफ़ी लाइट सा पिंकिश फ्लोरल प्रिंट है इसमें एंड लुक एट द फैब्रिक. फैब्रिक बहुत अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट सा है एंड पूरे पर आपको इस तरीके से व्हाइट कलर के लीव्स एंड फ्लावर्स देखने को मिलेंगे. एंड दिस इज द फ्रंट पोर्शन. बैक पोर्शन है पीछे लास्टिक अप्लाई किया हुआ है एज यू कैन सी. लुक एट दिस, काफ़ी अच्छा घेर है इसमें. एंड वन मोर थिंग, पूरा बैक साइड से पूरा नीचे तक है, पूरा लॉन्ग नीचे तक है. मेरी 8.53 है, 5.3 के अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉपर नीचे तक आई, लेकिन फ्रंट में ना आपको इस तरीके से कट मिलेगा लाइक इस तरीके से दोनों साइड में. एंड बहुत ही सुंदर सी इसमें फ्लेयर डाल रखी है, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, ट्राउन में देख लेना, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है वाइट कलर के टॉप के साथ. ऑफकोर्स वाइट कलर के टॉप के साथ ही अच्छी लगेगी, बट इट्स ऑल अप टू यू. अगर आप इस तरीके का पिंक कलर है तो वो भी आप पहन सकते हो, बाकी किसी भी क्रॉप टॉप के साथ आप वेयर कर सकते हो उसको. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिए, अराउंड 250 में और 225 में उसके अकॉर्डिंग, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है. एंड पीछे आपको प्रॉपर ऐसे इलास्टिक पोर्शन मिलेगा और इसका जो फिट है वेस्ट पोर्शन पे मुझे बहुत ही अच्छा है. मैंने इसे लिया है 28 साइज़ में और 28 साइज़ मुझे परफेक्टली फिट हुआ. सो या बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बैक से पूरा नीचे तक है एंड नीचे भी ना बैक साइड में भी इस तरीके का अलग से फ्लेयर लगा रखा है जैसे यहाँ साइड में लगा रखा है. सो पूरा ट्रायल में समझ में आ जाएगा एंड इट लुक्स रियली क्यूट. अब क्यूट से सैंडल पहन लो और वाइट टॉप एंड वाइट बैग ले लो, दैट्स इट. या पिंक भी ले सकते हो एंड पूरा होल लुक कंप्लीट हो जाएगा. एंड बस पीछे बो लगाना मत भूलना. अगेन आई हैव दिस फ्लोरल स्कर्ट जो कि वाइट एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में है. ऑफकोर्स यार वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन सबको पसंद होता है बिकॉज ना टॉप्स अवेलेबल होते हैं सबके पास. सो दोनों साइड में आपको इस तरीके से इलास्टिक मिलेगा, काफ़ी स्ट्रेचेबल है एंड पूरे में ब्लैक कलर से इस तरीके से फ्लावर बने हुए हैं छोटे बड़े अलग अलग डिफरेंट साइज़ में. और इसमें भी ना बहुत सारे प्लेट्स मिल जाएंगी जिसकी वजह से इसका घेर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है. एंड अगेन इसका जो फैब्रिक है क्रीप है, अंदर कोई भी लाइनिंग अप्लाई नहीं कर रखी लेकिन फैब्रिक बहुत ही अच्छा है. इसका भी प्राइस अराउंड 250 और 300 है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है बिकॉज इतना अच्छा क्वालिटी मिलना लाइक इम्पॉसिबल. एंड सेम ब्रांड का है, उटाबो ब्रांड का सेम क्वालिटी है जो पहले वाली स्कर्ट की थी. एंड या इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे कैटलॉग्स हैं एंड मैं आपको दिखा दूँ. पूरा नीचे तक है ये
और घेर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। प्रोग्राम में देख लेना, मैंने इसी ब्लैक टॉप के साथ इसे पहना था, परफेक्टली अच्छे से फिट आ रहा था और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन रहा था। ब्लैक कलर सब पे होता है, क्रॉप टॉप, टैंक टॉप, किसी भी टॉप के साथ इसे वेयर कर सकते हो, या कॉलेज के लिए अगर आप देख रहे हो, या फिर ये कुछ यू नो समरी वाइब के लिए कुछ इस तरीके की स्कर्ट्स वगैरह देख रहे हो, बिकॉज समर्स में स्कर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इवन इस तरीके की स्कर्ट्स को आप विंटर में भी अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई हैव दिस ब्लू शॉर्ट कुर्ती, लुक एट द कलर, बहुत ही प्यारा कलर है। आप इसे ब्लैक के साथ, व्हाइट के साथ एंड ब्लू डेनिम जीन्स के साथ किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, और व्हाइट के साथ भी प्रॉपर अच्छे से जाएगी। सो इस तरीके की स्लीव्स मिल जाएंगी, बेसिकली इतनी ही स्लीव्स होती हैं शॉर्ट कुर्तीज़ में। बाकी आप प्रॉन पूरा देख लेना किस तरीके से मुझे फिट आया, स्मॉल साइज में लिया, स्मॉल बिल्कुल परफेक्ट है। आजकल मीशो की शॉर्ट कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जा रही हैं, बिकॉज अंडर 300 के और अंडर 250 में बहुत ही अच्छे अच्छे पीसेस मिल रहे हैं, दैट्स वाई। तो इसलिए मैंने बहुत सारी कुर्ती ले ली। सो दैट्स इट, ये पूरा प्रिंट है इसका, दोनों साइड से सेम स्लीव्स हैं एंड फ्रंट नेकलाइन आप देख लो इस तरीके से मिलेगा, हल्का सा वी कट है एंड पूरा राउंड नेक है। स्मॉल साइज में, एज यू कैन सी, स्मॉल में को परफेक्टली फिट हुआ एंड द फैब्रिक इज कॉटन। ऑफकोर्स यार, कॉटन का फैब्रिक होना ही चाहिए, बिकॉज शॉर्ट कुर्ती हम लोग कम्फी रहने के लिए पहनते हैं, स्पेशली कॉलेज ऑफिस में, तो ऑफकोर्स 7-8 घंटे तो हमें कम्फर्टेबल रहना ही है, तो ऑफकोर्स कॉटन का फैब्रिक होना बहुत ज़रूरी है। तो सारी कुर्तीज़ मैंने लाइक कॉटन के फैब्रिक में ली और बहुत ही अच्छा इनका फैब्रिक है। सो साइड में आपको इस तरीके से कट मिलेगा एंड प्रॉपर लेंथ हुई जैसे शॉर्ट कुर्ती की होती है, ना कम ना ज्यादा। सो या आप पूरा ट्रायल में देख लेना, दिस इज द बैक साइड। फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, कॉटन के साथ साथ बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट फैब्रिक है। सो या आई रियली लव दिस एंड ये बिल्कुल प्रिंट वगैरह नहीं है, फैब्रिक में ही है, ये पूरा फैब्रिक ही है, ये प्रिंट अलग से नहीं है, इसमें कलर वलर बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है एंड इट्स लुक वेरी नाइस। काफी यू नो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस कॉलेज में पहन सकते हो इसको, कहीं भी पहन सकते हो, क्योंकि आजकल शॉर्ट कुर्तीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज वाइट कुर्ती, वाइट शॉर्ट कुर्ती, ये वाली कुर्ती आप लोगों ने बहुत बारी देखी होगी, बिकॉज हर जगह रील में स्पेशली ये सबको पास दिख सबके पास दिख ही रही होगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसका नेकलाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अलग से ब्लू कलर का फैब्रिक का बॉर्डर अप्लाई कर रखा है पूरे नेकलाइन पर, वी नेक है एंड पूरा इस तरीके से जो प्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन स्लीव्स और भी अलग से बॉर्डर मिल जाएगा आपको, ब्लू मतलब नेवी ब्लू कलर का है बेसिकली। सो बैक से पूरा सेम प्रिंट है और इसका भी मुझे साइज़ एकदम सही आया है, स्मॉल साइज़ मैंने लिया है और यू नो थोड़ा सा लूज होनी भी चाहिए, बिल्कुल एकदम फिटेड नहीं होनी चाहिए, स्पेशली शॉर्ट कुर्ती, बिकॉज डेनिम के साथ आप पहनते हो ओवर साइज डेनिम के साथ, या फिर बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ जीन्स के साथ, या मॉम काइंड ऑफ जीन्स के साथ, तो इस तरीके की कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बेसिकली आप ट्राउज़र पैंट्स वगैरह के साथ भी पहन सकते उनको एंड या इसका जो फैब्रिक है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ही लाइट वेटेड सी है, सेम कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा सा कॉटन है। सो या यू मस्ट ट्राई, सो या यू मस्ट ट्राई दिस वन एंड इसमें यही कलर अवेलेबल है और आई एम श्योर ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, सो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए एंड या दैट्स इट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दिस लेवेंडर, एक्चुअली ये मुझे अलग ही कैटलॉग में मिली और मुझे फट से इसे लेना था, बिकॉज इसका कलर काफ़ी डिफरेंट था, हमेशा ब्लू ब्लैक हो रहा था, सो दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस पर्पल वन एंड बहुत ही अच्छा पीस है, बहुत सुंदर प्रिंट हो रखा है, सेम जो मैंने फर्स्ट वन दिखाया था ना, राउंड नेक और वी कट मिल जाएगा इसमें आपको, सेम सॉरी इसमें एम साइज अवेलेबल था, स्मॉल आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए मैंने फट से परचेज कर लिया। एम भी मेरे को ठीक ही आया, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है, ठीक ठीक है, बट या ऑफकोर्स एस मेरे को परफेक्ट आता। दिस इज द स्लीव्स, इस तरीके से आपको स्लीव्स मिल जाएंगी एंड बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है, सेम लेंथ मिलेगी, फैब्रिक इज अगेन कॉटन का फैब्रिक है, साइड में प्रॉपर इस तरीके से कट मिल जाएगा, व्हाइट कलर की डेनिम जीन्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने ब्लैक मर्क के साथ पहना था, ब्लैक के साथ भी अच्छा रहा था क्योंकि हर किसी के पास वाइट नहीं होता या वाइट में कम्फर्टेबल नहीं होते, तो ऑफकोर्स या ब्लू के साथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा फॉर श्योर। आप चाहो तो व्हाइट ट्राउजर के साथ इसे पहन सकते हो, बट यार अच्छा खासा लेंथ है वाइट ट्राउजर के साथ, श्योर आप पहन सकते हो एनी टाइम एनी वेयर एंड या डेनिम जीन्स के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली वाइट डेनिम जीन्स के साथ, बाकी या ब्लैक के साथ तो ऑफकोर्स पर्पल जाता ही है, तो या वाइट के वो सॉरी ब्लैक के साथ आप पहन सकते हो एंड फैब्रिक इज रियली नाइस एंड सॉफ्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस रेड शॉर्ट कुर्ती, ऑफकोर्स वाई नॉट, थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी ट्राई करना चाहिए। सो दिस रेड कुर्ती अगेन, इसका भी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो वाइट इस मिक्स है, तो व्हाइट के साथ आप पहन सकते हो, लेकिन व्हाइट के साथ जब मैं पहनती हूँ तो कैमरे पे कुछ अलग ही देखने लगता है व्हाइट के साथ और रेड,
तो मैंने ब्लैक के साथ पहना था तो बहुत अच्छी लग रही थी वैसे ब्लैक के साथ. ऑफकोर्स ब्लैक जीन्स सबके पास होती है तो इसलिए मैंने ब्लैक के साथ ट्राई किया. एंड या आप ब्लैक के साथ पहन सकते हो लेकिन या वाइट कलर के ट्राउजर के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा. सो दिस इज़ द स्लीव्स. इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कॉटन का फैब्रिक है और स्मॉल साइज़ में मैंने लिया है अगेन. एंड दिस इज़ द स्लीव्स. प्रिंट बहुत ही अलग सा और बहुत ही अच्छा है. कलर आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, लाइक ये रेड कलर समर में कितना सुंदर लगेगा. फोटो लोगे ना आप भूल ही जाओगे लाइक ये आपने 200 रुपये कुछ में ली है. सो दिस इज़ द बैक साइड एंड ये फ्रंट साइड है. बेसिकली सेम है जो नेक मैंने प्रीवियस वाले में दिखाया था. राउंड नेक है एंड वी कट दिया हुआ है. ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. लेंथ भी प्रॉपर है, कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये कलर हार्डली मिलता है. लाइक मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर ब्लू कलर मिलते हैं शॉर्ट कुर्तीज़ वगैरह में. सो यार थोड़ा सा डिफरेंट कलर ट्राई करना चाहिए. तो यार दैट्स इट फॉर दिस. ये वाला बहुत ही अच्छा पीस लगा मुझे. स्पेशली इसका जो कलर है बहुत ही सुंदर रेड कलर है और वाइट उसको बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. सो यार यू मस्ट गो फॉर दिस वन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो ये मैंने लास्ट के लिए बचा रखी थी बिकॉज ये थोड़ी सी फ्रॉक काइंड ऑफ में है. बिकॉज मुझे एक ऐसी लेनी थी तो इसमें 3 कलर ऑप्शंस हैं. एक आई थिंक लेवेंडर है, एक ग्रे है और ब्लैक है. और ये मतलब नेवी ब्लू है. लुक एट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कितना सुंदर कलर है एंड वाइट बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस नेवी ब्लू कलर को. दिस इज़ द स्लीव्स. अलग से बॉर्डर अप्लाई कर रखा है विथ प्रिंट एंड पूरे पर आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाएगा. बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है. वेस्ट साइड पर आपको इतना सुंदर सा घेर मिल जाएगा प्लेट्स के साथ एज यू कैन सी. एंड फ्रंट नेक देख लो आप, इस तरीके से आपको डोरी मिल जाएगी बांधने के लिए. तो आप अपने अकॉर्डिंग फिट भी कर सकते हो अगर थोड़ी सी भी लूज है, अगर आपको टाइट पहननी है. एंड लुक एट दिस बॉर्डर. साइड में इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर रखा है दोनों साइड में एंड अंदर इस तरीके से एक लेयर लगा रखी है फैब्रिक की. एक्चुअली 2 लेयर हैं एंड इस तरीके से डोरी बना रखी है. बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इस तरीके की कुर्तीज़ वगैरह. एंड नीचे ना इस तरीके से बहुत सुंदर सी घेर डाल रखी है तो इसकी वजह से इसका घेर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है. आई मीन बहुत सारी प्लेट्स डाल रखी हैं तो घेर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आता है. तो आई थिंक एक दो कुर्ती इस टाइप की भी होनी चाहिए स्ट्रेट में. बेसिकली स्ट्रेट बहुत कंफर्टेबल रहती हैं और डेनिम जीन्स सब अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं. दैट्स व्हाई चाहे वो वाइड लेग जीन्स हो या कोई और जीन्स हो, बट ये वाली भी बहुत अच्छी लगती हैं एंड इनको भी आप स्किनी जीन्स वगैरह के साथ पहन सकते हो. एंड आई थिंक अब तो ना हर तरीके की चीज़ हम वाइड लेग जीन्स के साथ स्टाइल कर लेते हैं तो ये भी हम वाइड लेग जीन्स के साथ पहन सकते हैं. मैंने तो वाइड लेग जीन्स के साथ ही पहना था वाइट कलर के एंड बहुत ही अच्छी लग रही थी. ऑफकोर्स वाइट के साथ अच्छी लगेगी, ऑफ वाइट के साथ एंड डेनिम ब्लू के साथ भी पहन सकते हो आप. एंड यार ब्लैक तो सब पे ही जाता है आई थिंक. तो यार दैट्स इट फॉर दिस. एंड फैब्रिक इज स्टिल कॉटन. बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है इसका. सो एंड अगेन फैब्रिक कॉटन का है. बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा फैब्रिक है इसका. कलर अवेलेबल है. अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली कोई दूसरा कलर ट्राई कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. लाइक द वीडियो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब. बाय. लव यू.